जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एनसीसी यानी कि इतिहास एनसीसी का। तो दोस्तों, सन 1666 सबसे पहले इसकी शुरुआत जर्मनी में होती है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत होती है सन 1917 से। या दोस्तों, अंडर डिफेंस एक्ट इसकी शुरुआत होती है भारत में सन 1917 में। इसको नाम दिया जाता है यूनिवर्सिटी कॉर्प्स और इसी नाम से कुछ कैडेट को ट्रेनिंग देना शुरू किया जाता है, जिसका मोटिव होता है मेकअप ऑफ शॉर्टेज आर्मी, यानी कि जहां आर्मी की अगर कमी होती है तो उनको उस चीज के लिए तैयार किया जाता है। और ठीक इसके 3 साल बाद सन 1920 में अंडर इंडियन टेरिटोरियल एक्ट इसका नाम बदल के UTC यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स एक्ट किया जाता है। इसमें यूनिवर्सिटी के कुछ गिने चुने बच्चों को आर्मी की तरह ड्रेस पहना के उनको ट्रेनिंग दिया जाना शुरू कर दिया जाता है। फाइनली सन 1948 एक कमेटी बनाई जाती है जिसके हेड होते हैं पंडित H.N. कुंजरू जी, और इनके द्वारा NCC एक्ट पास किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पे यूनिवर्सिटी और स्कूलों में छात्रों को आर्मी की तरह ट्रेनिंग दिया जाना शुरू कर दिया जाता है और इसी का नाम पड़ता है राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। जब NCC की शुरुआत हुई थी तो NCC में सिर्फ 20,000 कैडेट थे और आज की डेट पे विश्व का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 15 लाख से भी ज़्यादा कैडेट NCC में है। NCC की जब शुरुआत हुई तो ये सिर्फ आर्मी विंग में हुआ था और इसमें सिर्फ लड़के ही ट्रेनिंग किया करते थे। फिर सन 1949 में गर्ल डिवीजन को भी ऐड कर दिया गया, यानी कि लड़कियों को भी ट्रेनिंग देना शुरू हो गया। और फिर सर 1950 में एयर विंग को ऐड किया गया और 1952 में नेवल विंग को ऐड किया गया NCC। आज की इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं तक। इसके अगले वीडियो में हम समझने वाले हैं कि NCC का क्या महत्व है और NCC से रिलेटेड सारे GK हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।